नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो की गोहाना रैली को लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर ने दिया है बड़ा विवादित बयान। अगर डॉक्टर अशोक की माने तो उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया था कि गोहाना रैली स्थगित होने वाली है, क्योंकि ऐसा उन लोगों ने कहा था जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर झज्जर पहुँचे, जहाँ कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि 30 सितंबर को पानीपत में होने वाली पोल खोल रैली में उन्होंने निमंत्रण देना था अपने कार्यकर्ताओं को। वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इनेलो की खास गोहाना रैली को लेकर के। अशोक तंवर ने कहा कि विवाद जो ये गोहाना की रैली स्थगित हुई है वो वर्षा के कारण नहीं, बल्कि चाचा और भतीजा की आपसी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वर्षा तो अब आई है जब वे सिरसा गए हैं, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें अवगत करवा दिया था कि चाचा भतीजा की आपसी लड़ाई के कारण यह रैली नहीं हो पाएगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं पलपल की इस खास वीडियो के बीच में मनमोहन खांडेवाल की रिपोर्ट के साथ। बाकी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता रहे थे, मैं तो सिरसा में बता रहे थे, लोग मुझे याद है दो दिन पहले बोले जी रैली कैंसिल होगी, मगर क्यों बोले चाचा भतीजा लड़ रहे हैं। और फिर मैंने जब वहाँ से मैं आया पानीपत से तो मैंने होल्डिंग देख के उनके लगे हुए थे रैली के, उसमें जिस फोटो में चाचा था उसमें भतीजा नहीं था, जहाँ भतीजे थे वहाँ चाचा नहीं था। तो ये पता चलता है कि परिवार ही नहीं संभल पा रहे, ये हमारे ऊपर कटाक्ष करते थे। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ जवाब तो बराबर आज ना पूरे हरियाणा की जनता मांग रही है। नहीं ये तो पार्टी का परिवार है और दूसरे तरीके का परिवार है, दूसरा परिवार है, इसलिए